सऊदी अरब दुनिया का सबसे मजबूत मुस्लिम देश है। दुनिया भर के करोड़ों मुस्लिम लोग सऊदी अरब की बात मानते हैं, जिंदगी में एक ना एक बार सऊदी अरब में हज पर जाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन सऊदी अरब लगातार ऐसे फैसले ले रहा है जिसने दुनिया भर के मुस्लिमों को परेशानी में डाल दिया है। भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम तो सऊदी अरब को अब अंदर ही अंदर गालियां दे रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने दुनिया को हैरान और मुस्लिम देशों को परेशान कर दिया है। अगर हम आपसे कहें कि सऊदी अरब ने पूरी तरह से हमास का साथ छोड़ दिया है, फिलिस्तीनियों को भी दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है, तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें सबूत हैं कि सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाते हुए इसराइल जंग से पैर पीछे खींच लिए हैं। बयानबाजी के लिए सऊदी अरब कुछ भी बोलता रहे, लेकिन सऊदी अरब ने हमास का साथ छोड़ दिया है। जिस समय इसराइल गाजा में बम गिरा रहा है, ठीक उसी समय सऊदी अरब में जश्न का माहौल है। जश्न भी ऐसा जैसा दुनिया ने ना देखा हो। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हर साल होने वाला रियाद सीजन शुरू हो चुका है। सऊदी अरब में ये जश्न तब शुरू हो रहा है जब इसराइल और हमास की जंग खतरनाक होती जा रही है। अक्टूबर से मार्च तक चलने वाले इस जश्न में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, अरबपति और आम लोग सब पहुंचते हैं। नाच गाना बजाना और खाना सब होता है। सऊदी अरब इस कार्यक्रम से अरबों रुपए कमाता है। लेकिन इस बार सऊदी अरब के रियाद सीजन से मुस्लिम देश भड़क गए हैं। दुनिया भर के मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन की जनता भूखी मर रही है, गाजा जल रहा है, लेकिन सऊदी अरब में शकीरा का डांस हो रहा है। कतर, पाकिस्तान और भारत के मुस्लिम तो सऊदी अरब के इस रवैये से सबसे ज्यादा नाराज हैं। मुस्लिमों को लगता है कि सऊदी अरब अपने फायदे के चलते गाजा और फिलिस्तीन के लोगों का सौदा कर रहा है। सऊदी अरब को जंग के बीच जश्न नहीं मनाना चाहिए था। हैरानी की बात देखिए कि करोड़ों मुस्लिम लोग सऊदी अरब के रवैये से नाराज जरूर हैं, लेकिन वो खुलकर सऊदी अरब का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कई मुस्लिम देश और कई मुस्लिम संगठन तो सऊदी अरब के चंदे से ही चलते हैं। भारत में तो महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं कि जब दुनिया भर के लोग फिलिस्तीन में मौत और विनाश पर शोक मना रहे हैं, उस वक्त सऊदी अरब की पवित्र भूमि पर शकीरा के संगीत समारोह का आयोजन देखना निराशाजनक है। बहरहाल अब आप ही बताइए कि सऊदी अरब सही कर रहा है या गलत कर रहा है।